हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीम। आज डे 6 है मैच 1 वीकेंडी। लेट्स सी, सारे टीम्स ने अपना ड्रॉप लोकेशन ले चुके हैं। देखते हैं किसके बीच में कितनी जल्दी गन फाइट होती है। यहाँ पे वियर्ड की टीम अब पोडोस्टो की साइड आई है, और टीम नंबर 12 टाइटन्स, वो भी पोडोस्टो पे है, पर वो स्प्लिट में आए, तो देखते हैं क्या उन्हें चारों तरफ से घेर के पीला जाता है या नहीं। यहाँ पर टीम नंबर 22 लूट कर रही है अपना। टीम नंबर 23 INS की टीम सीमेंट फैक्ट्री पर। यहाँ पर टीम नंबर 7 वर्सेस टीम नंबर 4 हो सकता है। टीम नंबर 4 के कोर पांडा एक आगे के कंपाउंड में, लेट्स सी इनकी फाइट होती है या नहीं। ओके, वियर्ड वर्सेस टीम नंबर 11 टाइटन हो गया। टीम नंबर 12 है, तो टीम नंबर 12 टाइटन है। सॉरी गाइस, टीम 11 निकल गया गलती से। यहाँ पर टीम नंबर 12 के बंदे सेक्सी गॉड, वो उनका अपना पोजीशन लेकर बैठे हैं। राइजन ने क्या आपका मॉली की, बट मॉली टच नहीं, वो काफ़ी दूर जाके गिरी है। सो लेट्स सी क्या होता है। वियर्ड के डेमोन लेफ्ट साइड से फ्लैंक मारने की ट्राई करेंगे, बट नहीं, वो अभी भी कंपाउंड में ही रह गए। यहाँ पर गाइस टीम 21 वर्सेस टीम 11 हो सकता है। कैश गेमिंग वाइटी के टीम हो गया, एसके नाइन के शैडो यहाँ पर, उन पर G36 ही है। लेट्स सी क्या करते हैं। ओके, यहाँ पर ग्रेव भी 45 चलते हुए। यहाँ पर TPP लेते हुए सारे बंदे, लेट्स सी इन्होंने क्या स्पॉट कर रखा है टाइम। ओके, एक नेड बेहतरीन नेड हो सकता है अगर ये कनेक्ट हो तो, और ये बेहतरीन नेड है कालूस के द्वारा, और एक नॉक हो गया है वाईटी जी का बंदा। लेट्स सी अभी क्या पुश देखने को मिलेगा। ओके, एसके नाम सैडो ओपी ने वहाँ पर पुश कर दिया, बट यहाँ पर वाईटी जी के मेगर के द्वारा नॉक होते हुए। लेट्स सी, यहाँ पर दो बंदे नॉक है, सिर्फ अभी अकेले प्याज गेमिंग वाइटी जीवित है, और यहाँ पर हल्का सा डैमेज देखे पीछे कवर बना है प्याज गेमिंग वाइटी वर्सेस कालूस। लेट्स सी कौन फाइट निकालता है। यहाँ पर वाइटी जी के मगर नहीं ना फिनिश कैस के ना इनके बंदे को। यहाँ पर BTC बॉन्ग ग्रिप यहाँ पर क्लोजिंग कर चुके हैं, रेडन को फिनिश देना चाहेंगे। लेट्स सी क्या रेड फायर में इन्हें नॉक कर पाएगी प्याज गेमिंग वाइटी, बट नहीं, क्योंकि इन पर एंगल ही नहीं है। सो अभी यहाँ पर टीम नंबर 21 के बंदे क्लोजिंग करेंगे पैस गेमिंग वाइटी पे, पर पैस गेमिंग वाइटी भी अभी होल्ड करते हुए। पैस गेमिंग वाइटी यहाँ पर टीपी की पोजीशन लेना चाहेंगे, क्योंकि दोनों साइड से मैं पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर नीचे बीटी से बाउंड्री ऊपर आ गए, और 1v1 फाइट है, और प्याज गेमिंग वाइटी को डाउन कर दिया है। लेट्स सी अभी यहाँ पे वाइटी जी नगर क्या करते हैं, वो रूफ पर चढ़े हुए शॉट्स लेने का फायर करेंगे, हल्का सा डैमेज दिया उजी के द्वारा।
ओके अभी कालू भी यहाँ पर क्लोजिंग कर चुके हैं। यहाँ पर स्मोक करके रस करने की कोशिश हो रही है, लेट्स सी क्या करते हैं। यहाँ पर वाईटी जी मगर 1v2 निकाल पाते हैं कि नहीं देखते हैं अभी। यहाँ पर ओपन रस करने की कोशिश, दोनों साइड से फायरिंग होगी, लेट्स सी 1v1 फाइट है। और यहाँ पर 1v3 कर चुके हैं बीटीसी बाउंड्री, वेल प्ले बाय बीटीसी बाउंड्री। लेट्स सी और कहाँ पे फाइट चल रही है। ओके टीम एस मोर्स वाइटी कहाँ पर फाइट है। यहाँ पर बियर्ड के गोकू ने एक नॉक निकाला और वो भी एक ट्रेड फायर में नॉक होते हुए। लेट्स सी क्या यहाँ पर टीम टाइटन का रस देखने को मिलेगा या नहीं। टीम टाइटन के राइजन नॉक पड़े हुए यहाँ पर और एक ओके यहाँ पर थर्ड पार्टी जी है GX के नेट्रो ने दूर से यहाँ पर जीत की सिक्सी से नॉक। लास्ट बंदे टीम टाइटन के बंदे को फिनिश किया यहाँ पे। अभी देखते हैं कि टीम GX टीम बियर्डो के साथ फाइट लेती है या नहीं। बियर्डो के गॉड गोकू पे 3 kills है, नाइस गेम प्ले बाय गॉड गोकू। अपने टीम के लिए 3 kills निकाले, अगर पीछे से GX नहीं आती तो 4th kill भी कंफर्म कर लेती है अपना नाम। गॉड कोक के बंदे ने एक बंदा नॉक किया है और चिन्मय के ट्रेड फायर में गॉड कोक के बंदे नॉक हो चुके हैं। ओके गौर के एक माइटी अकेले जीवित है। लेट्स सी अभी ये अपने स्कॉट से दूर से तो अभी क्लोजिंग करने का ट्राई करते हैं या पोजीशन के लिए खेलते हैं, देखते हैं अभी। गॉड माइटी यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश करेंगे, फाइट लेना नहीं चाहेंगे बट लेट्स सी। ओके गॉड को अकेले डाउन हुआ था उनकी टीम की साइड से, बाकी के 3 players अभी भी जीवित है। लेट्स सी क्या करते ये लोग, क्या माइंडसेट रहता है इनका। IMS की टीम आई थिंक सो ड्रॉप कुछ जा रही है और ड्रॉप एंड टी है। ओके ड्रॉप में अंक 14 है, level 3 head, level 3 vest और level 3 bag के साथ, और विथ एक्सटेंडेड फिट ड्रॉमैक भी है, तो जिसके भी हाथों में अंक आएगी वो तबाही मचा सकता है इस कस्टम रूम में। लेट्स सी सारे प्लेयर्स यहाँ पर डिजर्विंग है। इंडिया नेक्स्ट का स्क्वाड अभी भी जोन के बाहर है, रूट कर रहा है, अभी रोटेशन मारेगा। लेट्स सी कैसा इनका गेम प्ले रहता है। ओके यहाँ पर टीम डेड वर्सेस ओके टीम डेड ने यहाँ पर इसे फिनिश किया। सॉरी विक ये कहाँ पर चल रही है, और लेट्स सी यहाँ पर टीम अननोन की फाइट हो रही है, आई थिंक एक्स जेनो की फाइट हो रही है। ओके टीम जी के मशरूम वाइटी के पास 3 kills है यहाँ पर। ओके यहाँ पर इन्होंने कोई स्कोर वाइट किए तो यहाँ पर टीम 10 के 2 बंदे हैं अभी अपना लूट कर रहे हैं। टीम TSP की फाइट हो चुकी है, यहाँ पर टीम बियर्डो की भी फाइट हो रही है। गॉड कोकू के 4 kills है, गॉड रेंज के भी 1 kill है, 5 kill है यहाँ पर।
टोटल टीम किल 5 हो गया तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे टीम जीएक्स यहाँ पर ओके ओके पैराडॉक्स 1 एचपी है यहाँ पर कृष्णा अपनी डार्क से लेकर उनके पास जाएगी टॉर पार्ट के लिए पैराडॉक्स ने स्लेयर को नॉक कर दिया 1 एचपी होते हुए अपना बदला लेना जरूर चाहेगी लग से क्या करते हैं यहाँ पर पैराडॉक्स की टीम यहाँ पर रस करने की कोशिश करेगी एक नेड आया है आई थिंक सो ओके बट किसी को डैमेज नहीं वो मॉली भी हुई है बट नो डैमेज पहली टीम स्पीपी लेके आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक और नेड आया है बट कनेक्ट नहीं हुआ बेहतरीन नेड था और जोन यहाँ से जाता हुआ लेट्स सी कैसे निकालते हैं और बियर्डो डायमंड जोन के अंदर बैठा है यहाँ पे 1v1 फाइट स्लेयर को नॉक किया स्लेयर ने एक नॉक किया ट्रेड फायर में गॉडरिन ने नॉक किया यहाँ पर पैराडॉक्स दो के बीच में आ गए और नॉक हो जाएगा कृष्णा अकेले पीछे बचे हुए हैं लेट्स सी यहाँ पर गॉडरिन रिवाइव देते हुए अपने प्लेयर को यहाँ पर कृष्णा भी रिवाइव देना चाहेगा अपने प्लेयर को लेट्स सी ओके एक नेड आया और बेहतरीन नेड है यहाँ पर ओके निट्रो ख़त्म हो चुके हैं और कृष्णा ने रिवाइव दे चुके हैं अपने टीममेट को यहाँ पर रस करते हुए डायमंड पर पीछे से ओके गॉडरेंज को नॉक किया ट्रेड फायर में ये नॉक हो चुके हैं और स्लेयर ने किल कंफर्म किया लास्ट बंदे का लेट्स सी बेहतरीन टीम किल्स निकाल रहे हैं बेहतरीन सिनर्जी प्रदर्शन दिखाते हुए टीम बियर्डो ओके यहाँ पर टीम लिसन एक्स वर्सेस टीम गॉड हो रहा है 3v3 फाइट है देखते कौन सी टीम एडवांटेज ली जाती है यहाँ पर 3v4 फाइट है सॉरी गाइस प्रीडेटर नॉक है यहाँ पर गौर के तेमूर नॉक अनफिनिश हो गए यहाँ पर यहाँ पर टीम डायमंड के बंदे ने टीम डार्क के बंदे को नॉक कर चुका है और यहाँ पर 1v1 फाइट और डायमंड के लॉर्ड ओपन है यहाँ पर टीम 10 को फिनिश वाइप आउट कर चुके हैं 2 किल्स हैं इनके पास लेट्स सी आगे की फाइट्स देखते हैं इल्यूजन एक्स के बंदे ने यहाँ से फॉल बैक कर दिया था ओके प्रीडेटर अपना स्काउट का रोल करते हुए जोन में आ चुके हैं और कंपाउंड क्लियर देख रहे हैं यहाँ पर टीम 90 वर्सेस टीम 5 हो सकता है लेट्स सी क्या होता है एक्स 10 वर्सेस टीम वॉक के यंग गॉड यहाँ पर टीपीपी देते हुए जायरो गॉड भी टीपीपी ले रहे हैं आई थिंक से इनके दो बंदे फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहे हैं ओके प्रेडेटर की गाड़ी पर
गाड़ी पे इन्होंने बहुत फायर दिया गॉड के बंदों ने। यहाँ पर कॉड वर्सेस फोर इफेक्ट वर्सेस टीम इल्यूजन एक्स, और यहाँ पर टीम वेनम भी थर्ड पार्टी कर सकती है अगर चाहे तो, उन्होंने गन साउंड साइड पे हो गए तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर गॉड के माइटी अकेले एक कंपाउंड में थे जिसे नेक्स्ट वर्ल्ड है, इन पर रस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी टू वन वी टू फाइट है गॉड माइटी के लिए, कहीं यहाँ पर वन वी टू फाइट निकाल पाते हैं या नहीं। लेट्स सी टू गॉड माइटी ने एक बंदे को नॉक किया लिसन एक्स के, रैना ने ओपी को नॉक किया, बट यहाँ पर वाइपर ने उनका किल कंफर्म किया है। सो यहाँ पर पीछे से फोर इफेक्ट्स के बंदे ने एक M24 का शॉट दिया था प्रेडेटर को। लेट्स सी यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी करना चाहेगी फोर इफेक्ट स्कॉर। यहाँ पर के वैनम के बंदों ने भी इन्हें स्पॉट करके रखा है लूसन एक्स को। लूसन एक्स एक सैंडविच पोजीशन में अगर दोनों साइड से इन्हें पड़ती है तो, इन पर कोई कार्ड भी नहीं है आगे जोन के लिए, अगले जोन में जाने के लिए। देखते हैं सर्कल कहाँ पर शिफ्ट मारता है अपना। यहाँ पर टीम 90 वर्सेस टीम 5 अभी तक हुआ नहीं है लेट्स सी। यहाँ पर टीम 5 के दो बंदे यहाँ पर क्लोजिंग कर चुके हैं, और वहाँ पर टीम 4 इफेक्ट्स के बंदे ने लूसन एक्स के बंदे को नॉक कर दिया, और यहाँ पर चारों बंदों का क्लोजिंग दिखता हुआ अगर से ऐसे कैसे फाइट लेते हैं। और पीछे से मोव के यंग गॉड फॉल बैक कर चुके हैं यूज करते हैं उस करते हैं। बीचर यहाँ पर टीपी भी ले रहे हैं, जायरो गॉड अपने एक कर में बैठे हुए हैं, और ऐसे क्या होता है यहाँ पर। और वाइपर का भी एक M24 का करा रहा शॉट आता हुआ फोर इफेक्ट्स को सामने। लेट्स सी वहाँ की फाइट देखते हैं। ओके यहाँ पे भी फाइट हो सकती है, स्पॉट जरूर किया बट डैमेज नहीं किया। यहाँ पर बेहतरीन नेड होते हुए आसिम की तरह और जायरो गॉड को पिक किया गया है, और यहाँ पर एच चनो के एलिमेंट्स ओपी भी नॉक होते हुए। ओके गाइस यहाँ पर टीम IMS आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए, स्मोक ही दूर से कवर दे रहे हो। IMS क्रेजी वर्सेस टॉक्सिक आ गए यहाँ पर क्लोजिंग करते हुए। यहाँ पर विचर भी आगे बढ़ेंगे, एक बंदे नॉक है एलिमेंट्स ओपी। क्रेजी का एक मॉली आता हुआ विचर पर बट कनेक्ट नहीं हुआ, सो फिर से देखते क्या होता है। विचर एक फ्लैट में स्मोक करेगा।
यहाँ पर विचर अपना बंदे को दिखाई देते हुए अलग से क्या है ना, इसके बंदे यहाँ पर क्रूजिंग करते हैं क्या। एक और मोली अक्सी की साइड से, बट ये गलत साइड पर मोली कर रहे हैं क्योंकि विचर वहाँ से अभी हट चुके हैं। क्या ये सरप्राइज एलिमेंट बन सकता है मैं इसके लिए देखते हैं। हमें ऑक्सी पर एक नेड आता हुआ यहाँ पर आई एम एस के स्मोक ही थोड़ा सा क्लोजिंग कर रहे हैं टीम 19 की साइड। यहाँ पर एक मौलिया वापस फॉल पैक करते हुए। ओके टीम 7 भी यहाँ पर आ गई वैनम ओपी की टीम। यहाँ पर टीम एच टेनो वर्सेस टीम वैनम वर्सेस टीम मॉप टीम आई एम एस होते हुए। ओके स्मोकी ने एक नॉक निकाला है, यहाँ पर एक और नॉक निकाला है वैनम ओपी का। यहाँ पर आई एम एस क्रेजी ने नॉक निकालते हुए यहाँ पे टीम वैनम का यहाँ पर स्कॉट वाइप हो चुका है। टीम एक्स टेन और टीम आई एम एस ने यहाँ पे टीम वैनम का स्कॉट वाइप कर चुका है। तीन स्कॉट ऑलरेडी थी, चौथे स्कॉट आई और उससे डाउन कर दिया गया। यहाँ पर देखते कौन सी टीम इस कंपाउंड को कॉन्कर करती है। लेट्स सी यहाँ पर स्मूथ करके लुटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सारी टीम्स को जोन भी जाना है, देखते कैसे करते ये लोग। यहाँ पर टीम वेब वर्सेस टीम एक बार देख लेते हैं नाम लेते हैं। ओके टीम 4 इफेक्ट वर्सेस टीम वेब हो सकता है। टीम वेब के साथ देखिए आई एम एस क्रेजी ने एक बंदे को नीड से नॉक किया है। आई एम एस स्मोकी नॉकआउट है यहाँ पर। आई एम एस की पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी है गाइस। सो यहाँ पे एलमिस ओपी ने विचर को स्पॉट कर रखा है। विचर 1 HP और यहाँ पर वो जोन से नॉकआउट हो जाएगा। यहाँ पर मोप का स्कॉट वाइप हो चुका है। फिर से सारी टॉप 7 टीम्स बची है, जोन के अंदर जाना है। वियर्ड का टीम जोन में, टीम रेड का टीम जोन में, डेवन का टीम जोन में, बाकी सारी टीम्स को जोन में आना है। फिर से चारों साइड फाइट्स हो रही है। यहाँ पर टीम 13 को देखते हुए यहाँ पर 4 इफेक्ट्स के बंदर ने टीम इल्यूजन एक्स अभी फाइट ले रही है। यहाँ पर डायमंड कुल को नॉक एंड फिनिश किया है इल्यूजन एक्स के प्लेयर्स ने। आई थिंक टीम डायमंड स्क्वाड वाइप हो चुका है टीम डायमंड का। ओके टीम डायमंड का स्क्वाड वाइप कर चुके हैं। टॉप 6 टीम्स है। टीम इल्यूजन एक्स को अभी जोन में जाना इजी रहेगा यहाँ से, बट टीम रेड की टीम जोन कट कर सकती है इनका। ओके यहाँ पर शॉट्स पड़ते हुए जैसे कवर से बाहर आ रहे टीम रेड शॉट्स कंटिन्यू करते हैं उनका। यहाँ पर 4x इफेक्ट जोन में जा रही है, जोन में ही है आई थिंक, बट थोड़ा सा कवर बनाना चाहेगी। यहाँ पर टीम 5x चैनो भी जोन में आ चुकी है। ओके मशरूम फाइटिंग यहाँ पर नॉक हो चुके हैं।
फॉर इफेक्ट के द्वारा। रंजीत का एक M4 का रेड डॉट्स पे फॉर इफेक्ट के बूम ने एक सार्थक को नॉक किया है, यहाँ पर नॉक किया है, फिनिश भी दे गए यहाँ पर। टीम 13 के प्लेयर का ट्रेड फायर आता हुआ, बट बूम को थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ। सो देखते हैं लूसन एक्स के बंदे भी जोन में आने की कोशिश करते हुए। ओके यहाँ पर टीम नंबर 13 के बंदे को, एक बंदे को नॉक करेगा लूसन एक्स के गैनन ओपी। यहाँ पर टीम वियर्डो के प्लेयर्स यहाँ पर किल चुराने की कोशिश। टीम नंबर 5 का यहाँ के वेब प्रोसेस प्रोफेसर ने इस बंदे को नॉक किया है, क्या फिनिश कर पाएंगे फॉर इफेक्ट्स के बंदे को। और एक और स्प्रे मारते हुए बट कनेक्ट नहीं होती हुई बोलिया। यहाँ पर स्लेयर को उनका एक किल मिल चुका है। ओके एक्स जनो के एक बंदे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। लास्ट बंदे जीवित है मशरूम वाइट, इनके पास 4 किल्स है, टोटल टीम किल्स 8 किल्स है। लेट्स सी क्या ये चिकन निकल पाते हैं। यहाँ पर इल्यूजन एक्स के तीनों प्लेयर जीवित है अभी तक, 7 किल्स निकाल चुके हैं। बट मैन एडवांटेज है फॉर इफेक्ट्स के पास, और जोन हल्का सा जोन भी है उनके पास, तो मैन एडवांटेज है और जोन भी है, तो क्या ये टीम को चिकन निकालना ही चाहिए। सो लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस दी थी ये टीम। आगे स्मोक कर रही है ताकि वो रॉक का कवर बन सके डार्सिया से। ओके मशरूम वाइटी ने एक नॉक निकाला है बियर्डो का गॉड गोकू को। यहाँ पर रिवाइव मिलेगा बियर्ड के बंदे को, एक नेड आते वो पीछे से इल्यूजन एक्स के द्वारा। वेब प्रोसेसर ने फॉरी ओके फॉर इफेक्ट्स के बंदे को नॉक किया। यहाँ मशरूम वाइटी नॉक हो चुके हैं बियर्डो के द्वारा, फिनिश हो चुके हैं। सॉरी वाइपर ने वेब प्रोसेसर नॉक हो चुके हैं। यहाँ पर वाइपर ने यहाँ पे वेब प्रोफेसर का किल निकाला जो दोनों आ रहे थे। टीम रेड के अभी भी अकेले बंदे जीवित है, टीम फॉर इफेक्ट के बंदे भी अभी 4 प्लेयर जीवित है, दो एडवांटेज भी इन पे। रंजीत ने यहाँ पे वियर्डो के प्लेयर को स्पॉट किया है, M4 पर रेड डॉट स्प्रे मारने की कोशिश, बट कोई बंदा नॉक नहीं हुआ। टीम रेड के असेसियन यहाँ पर जोन के अंदर बैठे हुए, इल्यूजन एक्स के बंदे जोन में, अभी जोन शिफ्ट मार चुका है वियर्डो की साइड। लेट्स सी सारी टीम्स को जोन के अंदर आ, और यहाँ पर वाइपर का एक M2 हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा क्या। 4 किल्स लेके बैठे वाइपर यहाँ पर। ओके बियर्डो के गॉड गोकू ने एक नॉक निकाला है वापस से फॉर इफेक्ट के बंदों का। यहाँ पे प्रीडेटर नॉक हो चुके हैं असेसियन के द्वारा, असेसियन को नॉक एंड फिनिश देना पड़ेगा। ओके स्लेयर ने नॉक कर दिया एक फॉर इफेक्ट के बंदे को, प्रीडेटर का यहाँ पर बचना मुश्किल लग रहा है। स्लेयर ने रंजीत को भी नॉक निकाला है, 2 प्लेयर्स नॉक निकाल चुके हैं स्लेयर। गॉड गोकू ने 7 को फिनिश किया, वाइपर ने बूम को नॉक निकाल दिया है। फॉर इफेक्ट के एक ही बंदे जीवित, अलर्ट से क्या होता है यहाँ पर। टीम 25 पर जोन एडवांटेज है बियर्डो पे, लेट्स सी ये जोन एडवांटेज को चिकन डिनर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर वाइपर चाहे तो फॉर इफेक्ट के बंदों को स्पॉट करके उन्हें नॉक फिनिश कर दे सकते हैं। वहाँ पर बियर्डो के प्लेयर्स डेड असिस्टेंट पे रस करते हुए, ओके डेड असिस्टेंट के बंदे हिल बैटल कर रहे हैं। यहाँ पे एक नेट से गैनन ओपी नॉक हो चुके हैं, वाइपर जोन में आ रहे हैं धीमे धीमे।
असेसियन अभी भी फर्स्ट एड लगाते हुए। ओके गॉड गोकू ने एक नॉक निकाल चुके हैं, बूम को भी स्पॉट करना चाहेंगे। ओके लास्ट असेसियन ने गॉड गोकू को नॉक निकाला है और असेसियन यहाँ पे वाइप असेसियन नॉक को फिनिश हो चुके। स्लेयर वर्सेस वाइपर वर्सेस फॉर इफेक्ट के बूम और ये बेहतरीन है बट थोड़ा सा जंप आउट होकर दूर चला गया। यहाँ पर अपने प्लेयर्स को पहले रिवाइव देगी बंदे स्लेयर बियर्ड होकर बंदे अगर रिवाइव हो गए तो फिर और भी ओके डायमंड नॉक हो चुके हैं वाइपर के द्वारा और बूम पर परफेक्ट नेड आया आई थिंक। नहीं बूम ने नेड किया, बूम ने मॉली किया वाइपर के ऊपर बट कनेक्ट नहीं हुआ। स्लेयर का मॉली कनेक्ट हो चुका है वाइपर पे, वाइपर बनने चुकी है, हिल लगाना चाहेगा अभी। गॉड रेंज पे चार किल है यहाँ पर, ओके बूम वर्सेस यहाँ पर गॉड रेंज वन वन फाइट है, उसी वर्सेस एक एम फाइट देखने को मिलेगा। पीछे से वाइपर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी करके मार दिया, यहाँ पर टीम इल्यूजन एक्स वर्सेस बियर्डो, बियर्डो चिकन डिनर ले जाएगी यहाँ पर, बेहतरीन गेम प्ले बाय टीम बियर्डो, ओपी डोमिनेशन बाय टीम बियर्डो।